हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आलू के पापड़। आलू के पापड़ बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसके लिए हमें लेना है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो आलू। इसे मैंने अच्छे से छील के धो लिया है और अब मैं इसे 4 से 5 सीटी तक उबाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू को 5 सीटी पे उबाल लिया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च ना डालना चाहते हो तो हरी मिर्ची को पीस के भी ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आलू के पापड़ का मिक्सर तैयार है, तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पॉलीथीन जिप वाला, इसे अच्छे से साफ करके पोंछ के लेना है। अब मैं इसे कट करूँगी। ये इस तरह से रेडी हो जाएगा और इसे अब हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इस पर हम ऑयल लगा देते हैं। और अपने हाथों पे भी ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आलू का और इसे इस तरह से टिक्की जैसे बनाएंगे हम। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से इसे तैयार कर लिया है। यहाँ पे रख देंगे इसे और अब इसके ऊपर इस पॉलीथीन को रखेंगे। यहाँ पे एक प्लेट लेना है और इसे इस तरह से इसे प्रेस करना है। एक बार हाथ से भी मैं इसे साइड से पतला कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है, तो चलिए अब हम इसे फैला देते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से पापड़ को बना के फैलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ को पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया है। इसे 1 दिन की धूप दिखाकर हम इसे और अच्छे से सुखा लेंगे। तो लीजिए आलू के पापड़ बनके अब तैयार हो गए हैं। ये अच्छे से सूख गया है, ये देखिए। इसे मैंने 1 दिन के लिए पंखे की हवा में सुखाया और दूसरे दिन इसे मैंने धूप में 3 से 4 घंटे के लिए सुखाया और ये बहुत ही अच्छे से अब सूख गए हैं। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आलू के पापड़ को हमें ज़्यादा देर तक तेल में नहीं तलना है। ये देखिए पापड़ को मैंने तल के तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे से पापड़ तल चुके हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो आपने देखा आलू के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल कुक विद एंडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।